नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। जिले में नहीं रुक रहा हत्याओं का सिलसिला, महीने में आधा दर्जन हत्याओं से दहशत का माहौल है। ताजा मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मोबाइल के स्टेटस पर विवाद को लेकर बदमाशों ने गोविंद विश्वकर्मा नाम के किशोर पर चाकू से हमला किया। पेट व सीने में चाकू से गंभीर चोट पहुंची थी, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सबको पीएम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जांच कर रही है। घटना के बाद से हमलावर फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार विगत 4 दिनों से हत्याओं का सिलसिला जारी है। जिले में ऐसा लग रहा है कि कानून नाम की चीज नहीं है। बदमाशों को एक भी पुलिस का खौफ नहीं है। दिन दहाड़े जहां बंधक बनाकर लोगों की पिटाई की जा रही है, वहीं हत्याएं भी हो रही हैं। सचिन वर्मा। घटना ये हुई कि हम लोग स्कूल जा रहे थे, तो हम थे और ये हनुमान सिंह, युवराज सिंह मतलब, और वो रत्नेश गुप्ता और आदित्य सोधिया और 3-4 लोग थे। चाकू वो 3-4 लोग आए, पहले बातचीत करने लगे, फिर चले गए, फिर दौड़ते हुए आए डंडी लाठी लेके, तो हम लोग पकड़ने लगे उनको, तो 4-5 लोग बड़े बड़े थे, तो जाके घेर लिए उसको, हम मारने लगे, और चाकू एक पता नहीं कोई मार दिया। करण सोनी था और पृथ्वीराज और कौन था, वो पृथ्वी था और 3-4 लोग थे, बड़े बड़े थे। जी गोविंद चाकू कहाँ कहाँ पे लगा? यहाँ और यहाँ पास। गोविंद नहीं रहा हमारे बीच में, नहीं रहा। कौन कौन मारा चाकू? करण सोनी था, पृथ्वी था और 3-4 लोग थे, बड़े बड़े। स्टेटस के बारे में, स्टेटस में वो हंस रहा था, तो भाई गोविंद पूछा कि क्या काहे हंस रहे, तो बोला कि का कर लोगे गाली दे के। जी कहाँ पर मारे ये लोग? यहाँ पास और यहाँ पास। स्थान कहाँ है जहाँ मारे हैं? बड़ी स्कूल, हायर सेकेंडरी ग्राउंड। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के पास मारे? हाँ जी। गोविंद अस्पताल में खत्म हुआ है कि रास्ते में खत्म हुआ है? पता नहीं, गोविंद एक्सपायर हो गया ना। जी पुलिस, आप पुलिस मामले में रिपोर्ट पर दर्ज कर ली है? जी। आप कौन हो? हम उसके भाई ही लगते हैं, दोस्त ही हैं। हमारा नाम गोविंद का बड़ा भाव है, मैं ही विश्वकर्मा। कैसे घटना हुई आपके भाई के साथ? हम मिर्जापुर गए थे ऐसे डायबरी में घूमने भागने, और वहाँ से जब लटक रहे थे तो हमको कलवारी मोड़ में पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो आप हॉस्पिटल पहुँचो, हमको कुछ नहीं बताया गया था। हम जैसे यहाँ पहुँचे तो बताया कि ऐसा ऐसा हाल हो गया, तो हमारे कुछ समझ में नहीं आया, हम क्या करें सर। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? हमको कुछ नहीं पता सर। आरोपी और पकड़ रहे हैं अभी? कोई नहीं पकड़ा है सर, हम नहीं जानते हैं सर, हम अब क्या बताएं। जी सर। कोई